एसोसिएशन के जो जिम्मेदार है उन्होंने एक मीटिंग लेके सब पावलूम बंद करने का ऐलान किया है। ये पावलूम 8 दिन के लिए बंद रहेंगे ऐसा हमें पता चला है, लेकिन हम मालेगांव पुलिस इंतजाम की तरफ से यहाँ पर अनाउंस करते हैं कि कोरोना की महामारी है, महामारी के चलते ना कि सिर्फ मालेगांव में जो उद्योग है वो उनमें मंदी चल रही है कि पूरे इंडिया में या दुनिया में ये मंदी चल रही है। तो जो भी डिसीजन लिया गया है यहाँ पर जो बंद का ऐलान किया है ये यहाँ पर हम ये गाइडलाइन देना चाहते हैं कि जिसको यहाँ पर प्रॉफिट नहीं हो रहा है, जो नहीं चला पा रहा है वो बंद कर सकते हैं अपनी अपनी मर्जी से, लेकिन जो पावर रूम बुनकर कारखानदार ये चलाना चाहते वो अपनी अपनी तरीके से चला सकते हैं। यहाँ पर कोई भी दूसरे लोग उनको जाकर ना धमकाए, उनका नुकसान ना करे, अगर ऐसा कोई करता है तो यहाँ पर पुलिस इंतजाम की तरफ से उनके ऊपर गुनाह दाखिल किया जाएगा। यहाँ पर हमने एरिया वाइज सेक्शन वाइज पूरी तरीके से सख्त पेट्रोलिंग रखी है, अगर कोई पास से ज्यादा व्यक्ति यहाँ पर घूमते हुए दिखाई देते हैं, किसी के कारखाने पर जाकर धमकाते हैं, उसको कुछ बताते हैं तो गुनाह दाखिल किया जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो फिर से मैं यहाँ पर मालेगांव पुलिस की तरफ से अनाउंस करता हूँ, ऐलान करता हूँ कि कोई भी किसी को जाके ना धमकाए, जो जो कारखाना चलाना चाहते हैं उनको कारखाने चलने दिए जाए। हाँ सर, दूसरी बात, शहर बंद हो जाता है तो सब लोग एंटी हो जाते हैं, काम हो जाते हैं कोई काम नहीं, जिसको लेकर शहर में रातों में क्राइम भी बढ़ जाते हैं, इसको लेकर पुलिस की क्या तैयारी? तो इसके लिए भी हमने यहाँ पर पेट्रोलिंग रखी है और जो ये पावर रूम में जो जो इश्यूज है, अभी जो यार्न के भाव बढ़ गए है, यहाँ पर कारखानदार सेल नहीं कर पाते, ये सब इश्यूज हमने स्टडी कर लिया है इनका और सब पॉइंट लेकर एक रिपोर्ट, डिटेल रिपोर्ट हमने बनाई है और गवर्नमेंट को हम हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के जरिए यहाँ पर भेज रहे हैं। सर, दूसरी बात, कि मजदूर और सेट में तालमेल बना रहे उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? तो इसमें एक रात को हमने SDPO सिटी के माध्यम से एक बैठक ली है, वो तालमेल रखने का यहाँ पर पूरा कोशिश हम करेंगे। शहर के अंदर अभी बकरीद नज़दीक आ रही है और जिन लोगों के घरों पे मतलब अपने पालतू जानवर है उनके लिए आप क्या आवाज़? तो हमने गाइडलाइन दी है कि जिनके घर में पालतू जानवर है उनके वो फोटो खींचकर पुलिस थाने में जमा करें। हमने पुलिस थाना वाइज सेक्शन वाइज यहाँ पर एल्बम बनाया है, बकरीद के बाद हम चेक करेंगे, अगर कोई ऐसे पालतू जानवर काटे जाते हैं तो उनके ऊपर सख्त से सख्त जो कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी।